केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस की भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि जब आप एक पुस्तक खोलते हैं तो आप एक नई दुनिया खोलते हैं। एचआरडी मिनिस्टर ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज विश्व पुस्तक दिवस है, मैं विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप सबको पता ही है कि जो ये पुस्तक है, इससे बड़ी मित्र कोई नहीं हो सकता है, इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं सकता है, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा प्रेरक कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं हो सकता। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न क्षणों में, विभिन्न कठिनाइयों में चट्टान की तरह आपके साथ होती है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा छात्र छात्राओं से भी कि वो अपनी कोर्स से हट करके जरूर कोई ना कोई किताब पढ़ते रहें। जब वर्ष में 2-3 किताबें वो ऐसे पढ़ें जब उनको लगेगा कि हाँ उन्होंने इसको पढ़ा और ये उनके जीवन के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, उसकी प्रेरणा उनको मिल रही है। और लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा, कोई भिन्न भिन्न नौकरियों में होंगे, व्यवसायों में होंगे, अपने दिन भर की जो व्यस्तता है उस व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल करके, क्योंकि ये आपकी अपनी संपत्ति है। बाकी संपत्ति किसी की अपनी नहीं होती, यही होती है जो 24 घंटे हर क्षण हर पल उसके साथ रहती है। और मैं छात्रों से कहूँगा कि इस समय वो तनाव मुक्त होकर के ज़रूर करके पुस्तक को पढ़ें और विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर वो कोई ना कोई एक किताब जरूर पढ़ें और उस किताब को पढ़ करके माई बुक माई फ्रेंड हैशटैग के माध्यम से आप ज़रूर सोशल मीडिया के द्वारा हमको अपनी बातों को बांटें, हम एक दूसरे की बातों को बांटें और ज़रूर करके इस अवसर का लाभ उठाएं। और आज ऐसे भी संकल्प ले सकते हैं कि हम वर्ष में 3-4 ऐसी पुस्तकें पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम से हट करके हों और जो प्रेरक हों, वो चाहे विवेकानंद हो, गांधी जी और हो, हमारे तमाम चाहे अरबिंदो से लेकर दार्शनिक से लेकर के वैज्ञानिक से लेकर के और सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में यदि आपको लगेगा तो कितना काम लोगों ने किया और किस तरीके से उनके जीवन के अनुभव है, उनके पूरे जीवन के अनुभव हमको पुस्तकों के रूप में मिल जाते हैं जो हमारी ताकत बनकर के रहते हैं। मैं एक बार फिर आप सबको शुभकामना देना चाहता हूं और आप इस अभियान से माई बुक माई फ्रेंड इस अभियान से जुड़ें और अपने बातों को, अपने अनुभवों को, अपने किताब के उस ज्ञान को जरूर जरूर करके साझा करें। मेरी शुभकामना। बिजनौर में पुलिस ने